Villa as the queen of Splits Villa for the very first time. Hello, I don't know. Is it royalty or not? Yeah, it is obviously. पूरा हक करना. पूरा happy. यहाँ पे room shift करो. मैं सुना हूँ आइडियल मैच का एक अलग सा रूम रहता है. मैं ऐसा सुनने में आ गया कानों में आ गया है कि आइडियल मैच का अलग सा रूम होता है. ये देखो कशिश, यू कैन बी द किंग बट वॉच द स्प्लिट्स ऑनलाइन. को लग रहा था अभी तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, एंड एकदम से सब कुछ इस सिचुएशन में मैं अब था जहाँ पे मुझे महक को भी जाके समझाना है. मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा था, मैं खुद ही इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं आकाश रीना के साथ में आईडी मैच हूँ. सैड है. अरे मुझे बोलना नहीं है कुछ, ठीक है? मुझे नहीं हर्ट करना था उसको, या मुझे नहीं बोलना था उसको, कुछ नहीं बोलना था मुझे. मैंने उसको बोला प्लीज गो कशिश एंड ब्रिंग प्राक्षी, क्योंकि पूरे विला में सिर्फ एक दोस्त जो मुझे लगा था मैंने कमाई है वो थी प्राक्षी. Do you realize what position is she in? Do you realize कि मैं किस में हूँ? तू जाके ये बात किसी से भी कर ले पूरे विला में कि मेरे पास क्या ऑप्शन थे, या तो मैं शो को छोड़ के चला जाऊँ आज, ठीक है, और मैं और मैक चले जाएं बाहर दोनों, या फिर हम एक चांस रखें कि हो सकता है आगे चल के हम परफॉर्म कर सकें एक साथ. दो ही ऑप्शन थे आज मेरे पास. हाँ, मैंने बैठ के सोच चुका था उस चीज का. आकाश ना, आई एम गोना स्टॉप हिम. साक्षी आ गई मेरे पास फुटेज के लिए एंड शी वाज लाइक व्हाई द फक डिड यू गो इन विद द ओरेकल विद कशिश. अरे भाई मेरी मर्जी, वो गया मेरे साथ, मैं थोड़ी ना उसको घसीट के ले गया ओरेकल के पास. Prakshi, हाँ नहीं Prakshi ने ट्राई किया. You don't have to comment on my. I'm not saying that. No, I'm not saying that. You don't tell me. You don't tell me. You don't tell me what to do either. You don't tell me what to do either. You don't tell me if I have to give. ये मेरा ऑप्शन है. मैंने Oracle को नहीं बोला कि मुझे आगे मैच बना दो. मैं आपको बारे में नहीं बोल रही, but you don't tell me if I am influencing her or doing something wrong. You are. मुझे अभी लगता है कि आप कर रहे हो तो आप कर रहे हो. So you don't tell me. I have an opinion. I can state it. It's my opinion. I know what will I do to my friends. Or karma works in crazy ways, and everybody was realizing it now. Idol match बनने के बाद अब थी मेरी पहली सुबह, और आकाश लीना मुझसे बात करना चाहती थी, but मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था उससे बात करने का. तो मैं बहुत अवॉइड कर रहा था उसको. कितनी खुश है तू? खुश क्यों ना हूं यार, आई वर्क हार्ड. दिस इज आई अर्नड इट. आई नो यू वर्कड हार्ड फॉर इट. सो हैव यू. या ऑब्वियसली आई गेट दैट इट वाजंट विद योर कनेक्शन और व्हाटएवर, बट नाउ दैट यू हैव बिकम एन आइडियल मैच, यूटिलाइज द पावर, डोंट फक इट अप विद मी प्लीज. दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा है फर्स्ट आइडियल मैच बनके. वो दिखाता नहीं है. आई डोंट नो व्हाई ही इज एक्टिंग सो बैड, बट मैं मेरी तरफ से क्लियर था दैट मुझे कशिश के साथ कनेक्शन बनाना है, एंड उसे भी मुझसे कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी. आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी मल्टीपल टाइम्स आई सेड दैट आई लाइक यू, आई वुड मेक अ कनेक्शन विद यू, एंड देन आई सेड आई वुड सेव यू, आई सेड आई वांटेड टू सेव यू. हाउ एम आई इन द रॉन्ग? हाउ? मैं हनी को बताती हूँ कि भाई तुम मेरे साथ कनेक्शन बना, मैं तेरे को अकल भी दूंगी, प्यार भी दूंगी, सेंस भी दूंगी. बिकॉज अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो नॉनसेंस लोगों के साथ घूम रहा है, तो उसके मुंह से सिर्फ नॉनसेंस निकल रहा है. मेरे अभी वर्ड्स क्लियर थे मुझ, तब भी वर्ड्स क्लियर थे कि मैं कशिश के साथ पहला ओरेकल पे जाऊंगा मेरा. आई सेड आई एम नॉट गोना वेट.
मैंने ये भी पूछा कि मेरे अलावा तेरे को कौन से बंदे अच्छे लगते हैं? दो में दिन मेरे को तो हर किसी ने पूछा नहीं पसंद है, मैं क्या बोलूं? नहीं पसंद तो नहीं पसंद, बात खत्म यार। वो बात तो हो अगर है, अगर इतना ही है, अगर इतना ही है then go and do it, then don't have this conversation, you anyway with her, you're anyway spoiling with things. No, isliye mere ko baithna padega. Are then that's not my issue. If I like you, that's spoiling things. Both of them have the same point. तुम्हारे घर के हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज़ योर रिलेशनशिप इज वन बिग प्रॉब्लम। आपने आके ये चीज भी तो बोली थी, अगर किसी का कनेक्शन बहुत अच्छा है तो मैं बीच में नहीं घुसूंगी। तो तब मेरे को वही तो मैं कह रही हूं, मेरे को लगता ही नहीं अच्छा है, मेरे को लगता ही नहीं अच्छा है। तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे बीच में वो सिर्फ हमें पता है। तो कर लो, पता करो, रखो। मैंने कशिश के मुंह पे और हनी के मुंह पे बोला है कि आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कनेक्शन जेन्युइन है। सो अगर मुझे ये समझ आ गया है, मैं बस वेट कर रही हूँ कि तुम लोगों को भी ये समझ आ जाए। सो लिसन, यू एंड साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट एन आइडियल मैच, यू विल नेवर बिकम एन आइडियल मैच, ठीक है? दैट इज ट्रू। यू गाइस लव ईच अदर, हेट ईच अदर, दैट्स नॉट द पॉइंट फॉर यू। यू कैन बी विद समवन हु कैन बी एन आइडियल मैच विद यू। यस, एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू डू दैट। यू नो दैट डजंट लाइक यू, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंडली, इट्स अ बॉन्ड, इट्स अ बॉन्ड, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड देन लाइक व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स, मेक द डिसीजन। जस्टिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, उसकी वजह से संदूस उसे मूस के साथ पेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जस्टिन उनके ग्रुप का पार्ट हो जाए और मेजॉरिटी उनके पास हो जाए। ऑब्वियसली इट वाज हर्टिंग मी एंड जस्टिन ने मेरा ट्रस्ट भी ब्रेक किया। गुड मॉर्निंग स्प्लिट्सविल, इट्स टाइम फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज। पर इस चैलेंज के लिए ऑल यू स्प्लिट्स विलेंस हैव टू मेक टीम्स ऑफ 9 ईच एंड वन विल बी लेफ्ट आउट। टीम्स बनाओ एंड सी अस फॉर योर नेक्स्ट चैलेंज। लव, सनी एंड अर्जुन। लेट्स गो। कैसी सबने स्क्रॉल पढ़ा तो मैंने कुछ चार लोगों को देखा अपने पापा के पास भागते हुए। कशिश, उन्होंने अपना पापा बना रखा है कशिश को। मैं और महक, तू और प्राक्षी, हनी और कशिश, तारा, जस्टिन और साक्षी। तारा, जस्टिन, साक्षी तीनों हैं। प्राक्षी इज नॉट फॉर यू, पहले पूछ ले, कंफर्म कर ले। अगर जस्टिन हमारी टीम में आ जाएगा, तारा हमारी टीम में होगा और साक्षी होगी, तो अगर एक ट्रायो ले लिया और बाकी सब कपल्स हो गए तो 9 मेंबर्स की टीम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मुझे अच्छा लगेगा तो मेरी टीम में हो, बिकॉज मुझे तेरे से अगेंस्ट नहीं खेलना, मुझे नहीं चाहिए कि तू और तारा लड़े, बिकॉज तू क्यों चाहिए तुझे यार, दिस इज नॉट अ ट्रॉफी फाइट। ट्रॉफी की फाइट नहीं है तो फिर, बट एक होता ना खुद का ओपिनियन, मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अगेंस्ट खेलूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है। ये जो तारा बंदा है ना, मैं इसके साथ कभी नहीं परफॉर्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Justin, your game is getting fucked because of this. I'm telling you, huh? Justin, you have to be in a team. I think this is way more important. I'll be honest. Come. Justin. अरे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? I'm just talking to him. अरे we need to finalize our team. हाँ ठीक है, रुक जा. So then we shouldn't choose him. अरे रुक जा भाई, 2 मिनट. अरे हम रुके हुए हैं, सब रुकी जाए, सब रुकी जाए. एक एक बंदा रुक जाए, because तुम्हारी बात complete नहीं हुई है. I was really putting in the effort. Justin, play with us. वो तो चाहती भी नहीं है तो उसके साथ खेले। तारा के साथ मत खेल, क्यों खेलेगा तारा के साथ? अगर आज तू ये टीम में खेलेगा तो कल तेरे को चांस मिलेगा दोबारा से परफॉर्म करने का इन्हीं 9 लोगों के अगेंस्ट जो आज टीम जीतेगी। तब तू अगेंस्ट खेल सकता है ना? But you never know what happens. ठीक है, but still अभी 9 लोग का ही है। तू मेरे टीम में खेलना चाहता है? वो उसे कोई इशू नहीं है। मेरे को बहुत इशू है। मैं तेरे को कशिश की टीम में तारा है एंड मैं तारा के साथ परफॉर्म नहीं करूंगा। सिंपल। जस्टिन, आज वो हामिद, संदूस इनके साथ परफॉर्म करने वाला है जिन्होंने शायद हमें हर डंपिंग सेशन में डंप करने की कोशिश की है एंड मुझे ऑनेस्टली उसका ये बिहेवियर उतना पसंद नहीं आया। पहली बार किसी टास्क में साक्षी मेरे बाजू में नहीं है एंड जब मैंने उसे देखा वो तारा के साथ हाथ पकड़ के आ रही थी, वो बहुत बुरा फील हुआ मुझे एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरा कनेक्शन वीक हो। दिस इज MTV Splitsville 14 को पावर्ड बाय Wildstone डियोस एंड परफ्यूम्स एंड ऑन टोटल कंफर्ट। वी आस्क्ड यू टू सेपरेट योरसेल्फ इनटू 2 टीम्स। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। कुछ लोग यहां हैं which I wouldn't expect, or कुछ लोग यहाँ हैं which I wouldn't expect.
I'm curious, क्या हुआ? जैसा मैंने स्टार्टिंग से बोला था, जब भी मुझे चांस मिलेगा परफॉर्म करने का, मैं मैक के साथ में परफॉर्म करूंगा. एंड उनकी प्रायोरिटीज और दोस्त थोड़े से अलग है. मेरे जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उनके मैं इंटरेस्ट ज़्यादा कर सकता हूँ, वो अलग है. सो उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक ग्रुप बने हैं. कशिश इज लाइक नॉट हैप्पी बीइंग एन आइडियल मैच, लेकिन मुझे तो पता है कि वो बहुत ही हैप्पी है क्योंकि उसके पास तो पावर्स है, लेकिन ये तो वो महक को नहीं दिखा सकता ना. सो आइडियल मैचेस आप दोनों सेफ है. थैंक यू. इस चैलेंज में आप दोनों नहीं परफॉर्म करेंगे. थैंक यू. आकाश लीना मस्त चिल करो, अपने थ्रोन पर आ जाओ, बैठ जाओ. मुझको करना था परफॉर्म. मैंने ये टीम जो बनाई थी ये अपने आप को रख के बनाई थी, एंड मैं ही परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसे करेगी मेरी टीम परफॉर्म? द किंग एंड क्वीन आर गोइंग टू वॉच द पेजेंट्स फाइट टुडे. Justin and Sakshi are on separate teams. ये क्या हो रहा है? मैं चाहता था ऑफकोर्स साक्षी मेरे टीम में रहे या मैं साक्षी के टीम में रहूं, बट मेरा एक पॉइंट क्लियर था कि मैं तारा के टीम में नहीं रहूंगा, वो टीम जो भी रहे. तू कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मुझे साक्षी के साथ ही खेलना है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं दूसरे कनेक्शन के पास नहीं जाऊंगा, बट आज क्या हुआ? और आप दोनों हाथ Yes, ये मैंने भी अभी जस्ट देखा. I want to talk about this thing. जिस purpose से मैं आया था वो मेरा purpose almost solve हो चुका है. अब हमारे बीच में वो misunderstanding नहीं है, and मैंने साक्षी से भी बात करी है. She was playing game with him. कहीं ना कहीं वो चीज मेरे दिल पे लगी, एंड तभी मैं बहुत ज्यादा बुरा फील करने लगा. मेरे साइड से ये गलती होगी कि मैं बहुत ओपन हार्ट से खेल रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऑनेस्ट नहीं है. आई वाज प्रिटेंडिंग विद यू. अभी तो क्लियरली उसने भी बोला कि साक्षी तेरे साथ गेम के लिए खेल रही थी, एंड उसके बाद वो मेरे साथ कंटिन्यू करने वाली है. तो ये चीज एक्चुअल में किसी को भी हर्ट करेगी जो ऑनेस्टली किसी के साथ खेल रहा है. जस्टिन तूने मेरी बात सुनी नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, वी हैव अ रियल कनेक्शन. And I had a fake connection जो मुझे नहीं पता था. तो मुझे सिर्फ एक बात बता, तुझे कभी भी ऐसा लगा कि मैं तेरे साथ गेम खेलूं? यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे पूछ ले. बाबा यही तो प्रॉब्लम है, ये मेरे को कभी लगा नहीं. तुमने ये मुझे क्या बोला था कि जस्टिन तुम जब परफॉर्मेंस की बात है, अगर तुम ये बोलते हो कि मेरे साथ परफॉर्म कर, तो मैं अपना डिसीजन असाइड रख के तुम्हारे साथ परफॉर्म करेंगे. दिस वाज योर वर्ड, बट यू हैव एडेड द कंडीशन कि मेरे को तारा के अगेंस्ट ही खेलना है. मैं क्यों ही उसके साथ टीम अप करूं? उसके लिए भले मेरे को 9 लोग से अलग खड़ा होना पड़े या पूरे सारे उधर खड़े हो जाए तो भी मैं अकेला इधर खड़ा रहने तैयार हूँ, क्योंकि मैं वो बंदे के साथ टीम अप नहीं कर सकता. मेरे को फील हो रहा है बुरा, सिंपल सी बात है. मेरे लिए वो डिसीजन डिफिकल्ट है जस्टिन, कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं या उसके साथ खेलूं. I have to be somewhere, Justin. Yes, and you've decided it, and I'm happy for that. I respect it. Cool. मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मे बी एक एंड है, एंड मैं बहुत ज्यादा दुखी. कितने लोग हैं इस टीम में? 8. और यहाँ पर कितने लोग हैं? 9. गिनती भी नहीं आती क्या? टीम में नहीं है हिबा? लिया नहीं तुम्हें किसी ने? Why? Because everyone have connection, so everyone choose his own connection, so of course they will not choose me. I feel bad actually. I feel bad. Let's move on with the challenge. क्या नाम है इस टीम का? Bad gang. Bad gang. Bad gang. ये कौन सी गैंग है? Team high. Team high. Team high. Bad gang. इस चैलेंज का नाम है Chew my buddy. Chew my buddy. Chew my buddy. Chew my buddy. What do you guys think is gonna happen here? क्या होने वाला? कबड्डी. कबड्डी. कबड्डी सुन के मेरे अंदर की जैसे पावर आई, जैसे आ जाओ. बट मैं वेट करते, काश नहीं लगा यार,
इतने अच्छे लक में है ना वो, ऐसा चमाट लगा के आउट करती ना उसको, बाय गॉड। कबड्डी सबने खेली है, पता है कैसे खेला जाता है ये गेम। सबसे पहले हर टीम में से एक रेडर आएगा और सामने की टीम से चार लोग डिफेंड कर रहे हैं। जो डिफेंडर्स हैं उनको पकड़ना है रेडर को, और जो लाइन है रेडर की उसे क्रॉस करने से रोकना। और जो अटैक कर रहा है वो जितने भी डिफेंडर्स को छू कर आएगा उतने पॉइंट्स उसे मिलेंगे, मतलब टोटल आप चार पॉइंट जीत सकते हैं। And defenders, if you stop the attacker, you will get 4 points. So both teams can win a total of 4 points each in each round. और हर राउंड के लिए आपके पास है एक मिनट। इबा, तुम्हें किसी ने चूज नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें बनाते हैं जोकर। मैं हूँ दिलों की रानी, ब्लैक रोज। You have an option to replace somebody from the team that you want to play with. दो बार आप अटैक कर सकती हैं, and similarly आप दो बार डिफेंड भी कर सकते हैं। You guys rejected my request to you to be in your group, and now I'm the joker. I will do whatever I want to do, of course with my group's help. In kabaddi we say kabaddi 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 kabaddi, right? But आज का चैलेंज में you're gonna say like Kashish would say, mahek 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 mahek. अपना connection का नाम लेना है। ले ले पंगा 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 ले ले पंगा। वहाँ पे खड़ा होके मैं सिर्फ एक ही hope कर रहा था कि साक्षी आज मेरा नाम ले ले। Bad gang and team, hi, ready हो आप लोग? एक और रूल मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो रेड कर रहा है अगर उसने एक मिनट में किसी को भी नहीं छुआ तो द ऑपोजिट टीम जो डिफेंड कर रहे हैं उनको मिलते हैं चार पॉइंट, और जो डिफेंड कर रहे हैं अगर उसने रेडर को पकड़ लिया और ये जो साइड लाइंस है उससे बाहर कर दिया तो भी डिफेंडर्स को मिलते हैं चार पॉइंट। ओके कूल, डिफेंडर्स यू ऑल कैन एंटर फर्स्ट। तुम्हारी टीम से कौन जा रहा है? महक अपनी शायद उन्होंने आधी लाइफ जिम में बिताई है, तो शी इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, सो वी न्यू कि शी इज गोना डू इट क्वाइट वेल। 3 2 1 गो। Instead of kabaddi 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 kabaddi, you have to say like kashish kashish kashish, sunkar weird lag raha hai. Tumhare ke patta te pindi red ni hai ni mega sun mote aare. Char de ki kabaddi hunti mardan di khed ni hai ni dekh chad ke chubare. मैंने महक को देखा, महक का बिल्ड भी ऐसा है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो महक के ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। चल चल, बहुत बढ़िया महक, बहुत सही जा रही है, सही जा रही है। महक फर्स्ट स्टार्ट करी अटैक करे मैं, आई वाज लाइक यू नो व्हाट वी गॉट देयर, शी इज जस्ट वन एंड वी आर लाइक फोर। मैं 3 पॉइंट लेकर आई वहां से, जो कि बहुत अमेजिंग था, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ महक। टीम हाय, हूज कमिंग टू अटैक फर्स्ट? तब आ रही थी मूस की जो अटैक करने आ रही थी, और आज तक मूसा ही अटैक करते हुए देखा है, फालतू में रोते हुए देखा है, बकवास करते हुए देखा है, दूसरों के मैटर में उछलते हुए देखा है, तो आज देख लेते हैं कि परफॉर्म भी कैसे करती है। 3 2 1 एंटर। कनेक्शन का नाम लेना है, कनेक्शन का नाम लेना है।
इतना भाव हनी को देने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उसको और भाव दूँ, एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं हनी 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 करके गेम खेलूँ. सो आई टुक अर्जुन्स नेम. You have to take some contestant's name. You cannot take my name. I was joking about it. They want to wait, 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 wait. And then मेरे को रोक दिया गया. And they were like, no, no, no. आप अर्जुन का नाम नहीं ले सकते. अरे you can take Hani's name. No money. I don't want to. I'm good. मैंने उसे बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हनी का नाम ले लो, क्योंकि डीप डाउन मुझे पता है कि जब हनी परफॉर्म करने जाएगा तो वो डेफिनेटली मेरा नाम लेगा, एंड दैट इज डेफिनेटली गोना मेक मी फील बैड. 3, 2, 1, go. रोटी सेट पहन के आया साइकिल फोन लगा के फोन हम मूस के ऊपर बहुत भरोसा करके रह गए थे कि एक जन दो जन को तो टच करके वापस आएंगे. चारों लड़कियों ने उसके ऊपर ऐसे हमला करा. I don't like this game. भाई साहब, हमारी जो भागड़ जो छोरियां हैं जो पकड़ के घसीटती है उसको उसके ऊपर बैठ जाती है. फिर उन्होंने ऐसा घेरा बना के मूस को घेर लिया कि मूस वापस जा ही नहीं पाई. 3, 2, 1. फर्स्ट राउंड में महक गई और हमारे लिए 3 points लेके आई. सेकेंड राउंड में उनकी टीम से मूज आई और हमें 4 points दे गई. सो हम लोग लीड में हैं एंड वी वर प्रीटी हैप्पी लाइक द वे गेम वाज गोइंग. राउंड 1 के बाद आपका स्कोर हो गया है 7. टीम हाई 0. हमारी टीम की लड़कियों ने बहुत बुरा परफॉर्म किया एंड सामने की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया, तो एक स्ट्रेस जो था बहुत बढ़ गया है. बैड गैंगस्टर्स इनसाइड द रिंग. कम ऑन गाइस, कम ऑन. टीम हाई, हू इज अटैकिंग फर्स्ट? तारा के बाजू में साक्षी है, तो मैं वो सारा गुस्सा टास्क में उतारने वाला हूँ एंड आई वॉज रेडी फॉर. 3, 2, 1, गो. चार लेकर आ. मेरे लिए तो सिंपल है, मैं ऑफकोर्स साक्षी ही बोलूंगा, क्योंकि मैंने ना साक्षी के साथ ये कनेक्शन दिमाग लगा के नहीं बनाया था, वो जेन्युइनली मेरे दिल से बना था. जस्टिन, कल तक तो दूसरे कनेक्शन ढूंढ रहा था, आज साक्षी का नाम ले रहा. वो जानबूझ के ये कर रहा है जिससे कि वो चाहता है कि साक्षी को सुन ले. मैंने बहुत स्मार्टली मूव किया, मैंने बस लाइन के ऊपर हाथ रखा बट मैंने लाइन को टच नहीं किया. वो लोग मेरे पास आए, मैंने और दो बंदों को छुआ और मुझे मिल गए 3 points. जिस तरीके से उसने रेट दी, इट वॉज वेरी वेरी इम्प्रेसिव. क्योंकि एक प्रॉपर कबड्डी प्लेयर इसी तरह खेलता है एंड ही प्लेड रियली वेल. 3 points. 3 points हमने वहाँ पर पकड़ लिए थे हमारे, जो कि हमने गवाए थे लड़कियों के बदौलत. हमने सोचा कि चलो यहाँ पर बॉयज के थ्रू अपन कवर अप करेंगे वो. बैड गैंगस्टर्स, आपके टीम से कौन अटैक करेगा? आगाज. चल आगाज, चल आगाज, कम ऑन. मुझे पता है कि आगाज कितनी फियरलेस लड़का है, सो आई वाज काइंड ऑफ स्केयर्ड दैट मे बी द गैंगस्टर टीम विल विन दिस पार्ट. गो. कम ऑन गाइस, चल आगाज, चल आगाज, वेरी गुड. प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस. ऑलरेडी मैं प्लान कर चुका था कि भाई 1 point 2 point छोड़ो, हम तो सीधा 4 के ले जाएंगे. जस्टिन उसके पैर पर जम मारते हैं, उसको इतना टाइट हम लोग दबोचते हैं कि आगाज हिलता नहीं है. बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, आउट, पूरा आउट. जस्टिन took him apart. हम 4 points बना चुके थे, so round 1 के बाद हमारे points बिल्कुल equal. Girls, get ready for round 2. Now, this is where the joker can come in.
मैं हूँ दिलों की रानी हीबा ब्लैक रोज। जोकर के पास पावर थी कि वो किसी भी टीम में से किसी एक जने को रिप्लेस कर सकती है, तो हमने हीबा को इशारा किया कि वो श्रेया को रिप्लेस करे। उसमें इतना दिमाग है, इशारों इशारों में है तो मेरी दोस्त, मेरे दिल के करीब है, मेरी बात तो सुनेगी। अब बैंड बजाएगा आगाज तुम्हारी, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें टीम हाई की तरफ से किसी एक को रिप्लेस करना है या यहाँ पर किसी को रिप्लेस करना है? मैं रिप्लेस करना है विद श्रेया। ओ तेरी। यू गाइस रिजेक्टेड माय रिक्वेस्ट टू बी इन योर ग्रुप एंड नाउ आई एम द जोकर, आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। अटैक कौन करने वाला है? साक्षी। याद रखना आपको अपने कनेक्शन का नाम लेते रहना है। कम ऑन साक्षी, कम ऑन साक्षी। मैं वहां पे बहुत ही प्रेयर कर रहा था कि साक्षी आज मेरा नाम ले, जिससे जस्टिन को क्लैरिटी मिल जाए कि वो मेरे साथ ही है। 3, 2, 1, गो। नाम लेना है कनेक्शन का। तारा। ओह शिट। तारा। उसने बोलना शुरू किया तारा का नाम और कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि साक्षी वहां पे तारा का नाम कंटिन्यूअसली मेरे सामने बोले जा रहे। हीबा वाज लाइक ट्राइंग टू लाइक कि मुझे टच कर ले, मुझे टच कर ले, और मुझे लाइक हीबा पीछे, हीबा पीछे। सब लड़कियों ने उसको पकड़ लिया एंड उसको बाहर नहीं जाने दिया। साक्षी हमारी टीम के लिए लेके आती है 3 points एंड उनकी टीम को देख के हमें बहुत मजा आ रहा था। She was giving a hand, I saw. She pushed me back. Listen, this is a healthy competition. Either you play with us, you play fair. Don't fucking play with us. I was so mad if someone cheats like that. I felt like, you know, everyone should just say ki Hiba kya kar rahi hai and next time she shouldn't even perform in any of the challenge. Hiba, now you can come here. Thanks for playing with us. खत्म होने का दीपा ने मुझे इशारा कर दिया, मैंने भी उसको इशारा कर दिया कि मेरी जान तू जो है ना आज पूरी अंगार लगाने वाली है और बड़ा मजा आएगा जब हम गेम ये जीतेंगे और तुझे मैं सेव करूंगा। नाउ यू ऑल आर गोना डिफेंड एंड टीम हाई हु इज गोइंग टू अटैक? श्रेया, किल इट मैन। आर्लिन गर्ल, आई वाज सो हाइप्ड बिकॉज़ दे हैविंग एन एडवांटेज हीबा एंड दे हैव बीन विनिंग। आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई एम गोना अटैक फॉर रियल राइट नाउ। हीबा, डू यू वांट टू change who? Shreya. Okay. जो भी हमसे लड़कों से गलती हुई है अब ये टाइम है वो पॉइंट छीनने का, और छीनूंगा कैसे मैं? No boundaries, no limits. Okay, Dada. Hiba, play smart. You've chosen to take Shreya out. Just say you're playing with them and go and touch and come back. Simple. You're making so much drama. I, because you're dramatic, you're doing weird things, bro. मुझे ये था कि हीबा should say कि हाँ वो मेरे friends हैं तो मैं उनके साथ खेलूँगी, तुमने मुझे pick नहीं किया because everybody knew what was happening. 3, 2, 1, go. I guess. हमको मालूम था होने वाला है। इतने प्यार से 4 points हीबा हमें ऐसे ही दे दी थी, मतलब एकदम मोहब्बत में, मेरी जान जा ले ले 4 points। What is this? This is so unfair. If I fucking get a power, you are getting dumped. दोनों टाइम पे हीबा ने श्रेया को ब्लॉक किया एंड एट दिस पॉइंट आई वाज स्टार्टिंग टू गेट रियली वरीड बिकॉज़ हमारा जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बैड गैंगस्टर से कौन आ रहा है अटैक करने? तारा। तारा? कम ऑन तारा। मेरे अंदर की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि आज कुछ भी हो जाए तारा को मैं नहीं जीतना। गो कम ऑन तारा।
तारा एंटर करता है, मैं तारा की आंख में देख रहा हूँ और मैं चाहता था कि तारा मेरे तरफ आए और मैं उसको वहीं पे दबा दूँ। Come on, तारा। जा, जा, टच करना ही है, देखो। Come on, तारा। टच करना ही है, देखो। एक पॉइंट बस, एक पॉइंट। अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। रिस्क ले, रिस्क ले। तारा टाइम हो रहा है। टाइम बीत रहा है बच्चे, आ जा। लास्ट 20 सेकंड। साक्षी के प्यार में इतना डूबा हुआ है कि वो साक्षी 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 तो करता रहा बट वो हमारे पास ही नहीं आया। उसने पूरा एक मिनट बर्बाद कर दिया एंड ऐसे ही वहीं पे खड़े खड़े हमें 4 पॉइंट दे दिए। 4 पॉइंट चले गए, 4 पॉइंट चले गए भाई। I was hoping कि मैं 50 सेकंड के बाद किसी को टच करके एकदम से वापस जाऊं बट वहाँ पे कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी में मुझे समझ में ही नहीं आया कि टाइम कब खत्म हो गया। साक्षी 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 चूतिया भोसड़ी का हामिद, तू किस तरह से बात कर रहा है यार? Is that how you talk? पहले फेयर खेलना सीखो, फेयर खेलना सीखो। अरे वो मेरा दिमाग है, देखो क्या करना है। मेरे से कौन बात कर रहा है? तू मेरे से बात करना फिर। आगाज मुझ पे चढ़ा कि भाई तू फालतू क्यों बोल रहा है। मैंने कहा मैं क्यों ना बोलूं भाई, तू मेरे से बात करना, मेरे से बात करना, मेरे से बात करना। क्या बड़ी बड़ी बात कर रहा है? क्या बड़ी बड़ी बात? क्या वो पकड़ने वाला चूतिया है? फेंका ना मार दे, फेंका ना मार दे, देखो दीवा बजा के बता रहे कि खेलोगे से कंट्रोल नहीं हुआ और लिटरली मेरा तो पारा चढ़ गया। मैं बोला आज तो मैं इसको एम्बुलेंस में से भेजने वाला हूँ या तो फिर आर्या पार। नसीब अच्छी है या अगर तो मैं हूँ, तू देख ले या अगर बैट बॉय मैं हूँ, मेरी बैंड तो आगाज ही बजाएगा। अरे बाहर भी मिल लियो, बाहर भी मिल लियो, बाहर भी मिल लियो, बाहर भी मिल लियो। I think उसका aggression निकल रहा था, उनको पता चल रहा था कि उनके बस की नहीं है, सिर्फ उनकी लड़कियां परफॉर्म कर सकती है, वो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। टीम आई से कौन अटैक करेगा? हामिद। ओके हामिद, जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था झगड़े के बीच में, चल अब तू आ, अब मैं तुझे बताता हूँ गेम कैसे खेलते। चल हामिद, चल आगाज, अब मैं तुमको बताऊँ कैसे बिना हाथ पैर चलाए दिमाग से गेम जीती जाती है। आने दो, आने दो। मैं फुल राजधानी एक्सप्रेस मार के उसको धक्का देते हुए ऑलरेडी लाइन क्रॉस करवा दूंगा ताकि वो अंदर आके 3-4 पॉइंट लेना पाए। ये स्ट्रैटेजी थी उसकी, फेयर इनफ। एक एक पॉइंट दे तो चलेगा, 4 पॉइंट नहीं देना। और लिटरली उसको 1 पॉइंट दे दिया क्योंकि ये हमारी स्ट्रैटेजी थी। 2 राउंड्स के बाद टीम हाई का स्कोर है 12 और बैड गैंगस्टर्स का स्कोर है 14। ठीक है, पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। फेयर गेम खेलेंगे हम लोग हमारे तरफ से, तुम लोग खेलो फेक गेम, हमें नहीं फर्क पड़ता है। हिबा, इनमें से तुम किसी को रिप्लेस करना चाहती हो? कशिश, हिबा वाज समवेयर प्लेइंग फ्रॉम आवर साइड एंड इफ इट वाज द टाइम टू डिफेंड आई थिंक इट्स फाइन इफ हिबा इज रिप्लेसिंग मी राइट नाउ। गो Amir, 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 She made it count and we got 1 point. Prema, good job, high five. Now from team bad gangsters, who's going to attack? Who's going to raid? Prakshi. साक्षी के टाइम में श्रिया को रिप्लेस किया था हिबा ने, तो वहाँ पे उनके चांसेस ज़्यादा हो गए थे, बट मेरे लिए वही 4 strong contenders थे। Start. Touch one, anyhow, perfect, touch, perfect, perfect,
साक्षी को उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से पकड़ के उसे लिटरली खींच के मतलब रगड़ के बाहर कर दिया। Attacking her and going on the top of her and just taking her even out of the game. Very well done, Team High. आपको मिलते हैं 4 points because you completely blocked Rakshi from going on her side. हमारी टीम को लॉस हो गया फिर 4 points का. तो जो दूसरी टीम थी वो अब आ चुकी थी 17 पे एंड हम थे 14 पे. So congratulations. Yes. इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट था मुझे क्योंकि मैं चाहता था मेरा मैच वो अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि गेम जो था वो धीरे धीरे करके अपोजिट पार्टी की तरफ जा रहा था. तो सामने से मेरा भाई सोहेल, मुझे मालूम था वो अपनी टीम के साइड से खेलेगा, वो बिल्कुल ये नहीं देखेगा कि मैं आउट हो जाऊँ तुमको पॉइंट दे दूँ. पॉइंट चार्ट पे लीड करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. हम एक एक पॉइंट उन्हें देते हैं और उनके चार चार या दो दो तीन तीन पॉइंट्स लेके आते हैं तो हम कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे. उन्होंने स्टार्ट किया बोलना कशिश 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 एंड मैं तब मूज की शक्ल देख रही थी. आई वाज लाइक गर्ल देखो टाइम वेस्ट नहीं करना आगे जा बिंदास जा 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 कोई बात जा जा इधर मत हामिद ने बस उसे से डराया ही होगा कि हनी की आत्मा हनी के शरीर से बाहर निकल गई. ऐसा लग रहा था कि हनी की इतनी फट रही है. 30 seconds up हनी टच कर ले टच भाग सब लोग पकड़ लेते हैं वो लाइन के बहुत पास. हनी आजा हनिया 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 जैसे ही फिनिशिंग लाइन पे पहुंचने वाला हो तो थोड़ा सा रह गया. उन्होंने हनी को दबोच लिया, हमें एक भी पॉइंट नहीं और अब हमारा स्कोर वाज स्टिल एट 14 व्हेयरएज उनका स्कोर पहुंच गया था 22. 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके, आखिरी राउंड है. हिबा के पास एक ही जोकर कार्ड बचा है, बैड गैंगस्टर्स से 3 लोग ऑलरेडी अटैक कर चुके हैं. शी हैज टू यूज अ जोकर कार्ड. तो अनफॉर्चुनेटली कशिश तुम्हें अटैक करने का मौका नहीं मिल सकता, वो हिबा ही करेगी. आई वाज लाइक शिट, ये तो अपने ऊपर भी भारी पड़ा है भाई, उनके ऊपर ही नहीं. हिबा इफ यू डू नॉट टच देम and 1 minute gets over, your team will lose 4 points. अब मेरी जो फटनी चालू हुई थी क्योंकि गेम बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है. चल, I guess. Go forward. I was not even playing, I was enjoying her looking that dumb. Hiba, you have to touch. काफ़ी कोशिश करी काफ़ी देर तक कि वो किसी लड़की को टच कर ले एंड हमारा स्ट्रैटेजी ये था कि एक पॉइंट भी नहीं देना. 5, 4, 3, 2, 1 Done. 4 points for Team High. हम इतने खुश हो जाते, हमारे हो जाते 26 पॉइंट और उनके बोर्ड पे हो जाते 14 पॉइंट. हम बोलते कि भाई चीटिंग की डाई चीटिंग में जाएगी तुम्हारी, अब आगे आगे देखो होता है क्या. संदूस जो कि इतनी सी छिपकली जैसी है वो रेड करने आई और आज मुझे देखना था कि ये क्या करने वाली है. पीछे आओ. रॉक्सी फुल गुस्से में आई क्योंकि उसके राउंड में उसको लड़कियों ने खींचते हुए बाहर फेंका था.
हमने उसको पकड़ के सीधा बाहर फेंक दिया और जितने वो हीके मारती है वो सब नजर आ गया। बैड गैंगस्टर्स, यू ऑल गेट 4 पॉइंट्स। अब जो दो राउंड होने वाले हैं, हमको दोनों राउंड्स में 4-4 पॉइंट्स चाहिए। वी नीड 8 पॉइंट्स, स्टिल इट पॉसिबल। वी नीड 8 पॉइंट्स। क्या जो है चांस, मेरे दिमाग में था अब जो होगा मैं तो भाई फाड़ने वाला, चीरने वाला, चाहे जो आ जाए। ओ आमिर ये राउंड बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक गलत चीज और हम हार सकते बैडली। दे किक हिम आउट ऑफ द लाइन एंड वी लॉस्ट 4 पॉइंट्स फ्रॉम आवर काउंट। स्ट्रैटेजी जो थी वो परफेक्ट जगह पे लग रही थी और घंटा सामने वाली टीम कुछ उखाड़ नहीं पाई थी क्योंकि उनके हाथ से गेम जा रहा था। अब ये आखिरी राउंड का आखिरी अटैक है। समर्थ, अगर समर्थ 4 पॉइंट लेकर आ जाता है तो हमारा स्कोर हो जाएगा 26-26। फिर शायद हो सकता है टाई ब्रेकर। तो हमारी टीम की सारी उम्मीदें समर्थ पे थी, एक ऐसा प्यादा जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। बस देखना ये था कि ये प्यादा आगे तक जाके वजीर बनेगा या रास्ते में ही इसको काट दिया जाएगा। Let's go boys, let's go! 3-2-1 go! Get going boys, get go! वाली टीम उसको पकड़ लेती है एंड वो फंस जाता है। होल्ड देम, होल्ड देम, डोंट लेट देम गो। 5-4-3-2-1 आज का चैलेंज टीम हाई जीत चुकी है। yes! आज की ये विक्ट्री कहीं ना कहीं मेरे टीम के लिए मैंने लाई है एंड मैं दिखा रहा था साक्षी को कि उसका डिसीजन कितना रॉन्ग है। हम विला वापस गए एंड वी वर सो हैप्पी cuz वी वन। मैंने देखा कि सब थोड़े चुप्पी बैठे हैं, दूसरी टीम वाले वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, चीटिंग करके, हीबा को यूज करने की कोशिश के बाद भी वो हार चुके थे। उनका घमंड तोड़ के मजा तो जरूर हमने सीधा जंप मारी पूल में। हम जब भी जीतते हैं हम पूल में जंप मार के एंजॉय करते हैं। तो हम लोग चिल कर रहे थे, मैं पूल में ही था, इतने में ही आवाज फिर फुल गुस्से में आता है हमारा सस्ता जॉन इब्राहिम। जो तू बीच में टॉन्ट मारता है ना, जो तू बीच में था तू, तेरे दिमाग से नहीं खेल रही थी तो खेलने देना मेरे को, मेरे को खेलने देना। तू बीच में बोल रहा है, गेम खत्म हो गया, तू बोल रहा है, तू उसको क्या बोल रहा है, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, बोल ना, क्या बोलेगा, बोल ना, क्या बोलेगा, बोल ऊपर आ, चल आओ, चल दिया समझा। हर लोगों से एक्सेप्ट होती नहीं है और बस गुस्सा निकालने आ जाते हैं। तो मैंने उसको इतना भी भाव नहीं दिया कि मैं पूल से बाहर निकलूं, मैं अपना पूल में एंजॉय कर रहा था। गेट आउट ऑफ दिस ट्रायंगल, पिक वन एंड गेट आउट ऑफ दिस ट्रायंगल, मेक इट क्लियर, मेक इट एविडेंट। दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू डू टुडे। बाबा दिस सिचुएशन इज वेरी फक्ड अप। ये ऐसे नहीं है कि आई कैन जस्ट पिक वन फर्स्ट विला, राइट? यू कांट गो बैक टू योर लाइक बिफोर स्प्लिट विला राइट नाउ। मैं उसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही थी कि साक्षी खत्म करो ये कहानी। आई एम हैप्पी दैट यू डिफेंडेड योरसेल्फ बट आई डू नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर, जस्ट नो दैट एंड आई एम फकिंग डन। ये पहले करना चाहिए था साक्षी, वही तो मैं कह रहा था। तूने जो आज किया वो बहुत अननेसेसरी था जस्टिन। आपने छुपा मेरे लिए क्या हो रहा था, तेरे को पता है, वो आइडिया भी है।
तूने सोचा ना अपने बारे में? ठीक है, गुड, थिंक अबाउट योरसेल्फ। तूने मेरे बारे में सोचा? नहीं, मैंने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, इसलिए तो मैं तुझसे बोल रही थी कि मेरे साथ खेल आके। और इसके लिए मैं सबसे पहले तेरे पास आया कि मेरे साथ खेल आके। तो फिर तू क्यों नहीं खेला मेरे साथ? ये सेम क्वेश्चन मैं नहीं पूछ सकता हूं। आर यू सीरियस? बिकॉज़ मैं अपने दोस्तों के साथ खेले, तेरी प्रायोरिटी क्या है तुझे खुद भी नहीं पता यार। एक्चुअली नहीं पता मेरे को। हां ठीक है, तो सिर्फ ये फीलिंग कि मुझे जस्टिन के साथ परफॉर्म करना है शो के लिए, ये चीज ने मुझे जेन्युइनली हर्ट की। और मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षी कहीं ना कहीं अपने दिमाग की सुन रही है और मेरा यूज कर रही है। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट स्टॉप फोर्सिंग योर फीलिंग्स ऑन मी। जिसके साथ रहना होगा मैं रहूंगी, मुझे जिसका हाथ पकड़ना होगा मैं पकड़ूंगी। मैं काम ना कर रहा साक्षी। जस्टिन, व्हाट यू डिड टुडे वाज नॉट राइट। वही मैं बोल रहा हूं, तू खुद को पूछ। मेरा एक साल का रिलेशनशिप था, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसकी हर बात समझती हूँ। एंड अगर वो आया है तो मैं उसे जाके सीधा फक ऑफ नहीं बोल सकती, एंड मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ। फ्रेंडशिप, बॉन्ड या फिर कनेक्शन या फिर जो वर्ड्स हम एक दूसरे को दे रहे, अब मेरे ख्याल से ये सब मैटर नहीं करता, सब सिर्फ गेम खेल। Fully Faltu, fully entertaining. Like, share and subscribe to our channel Fully Faltu.